नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरसेव सैंडलेस आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस हिंदी के प्लेलिस्ट चैनल में, जहाँ पे हम लोग बच्चों की सर्जिकल प्रॉब्लम से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं, और मैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक तरह से ये धारणा है कि ये प्रॉब्लम या ये बीमारी बड़ों में ज़्यादा होती है और बच्चों में कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो हमारी आंतड़ी का एक अंग है, एक भाग है, जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। वो छोटी आंतड़ी और बड़ी आंतड़ी के जंक्शन पे पाया जाता है, और जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, मतलब जैसे जैसे हम वानरों से इंसान बने और इंसानों में जैसे जैसे सोसाइटी का विकास हुआ, उस तरह से जिस तरह से हमारे खाने में परिवर्तन आया, और धीरे धीरे अपेंडिक्स की अहमियत कम होती गई, और अब ऐसी हालत है कि अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कुछ भी खास काम नहीं है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें गाय से या भैंस से, जो जो हरी घास खाती हैं, जो जो पकाई हुई नहीं होती है, उनमें अपेंडिक्स बहुत ज़रूरी है, और अपेंडिक्स का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, और वो घास में जो सेल्युलोज पाया जाता है उसको हजम करने के काम आता है। अब क्योंकि हमारी डाइट से वो चीज़ निकल चुकी है, हमें अपेंडिक्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अब जो चीज़ खाली पड़ी है वो क्या करेगी, वो तकलीफ़ ही देगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपेंडिक्स की शिकायत सबसे ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है। इनफैक्ट जो कॉमन एज ग्रुप जिसे हम कहते हैं, 5 साल से 15 साल की उम्र में अपेंडिसाइटिस का होना सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब ये चीज़ बड़ों में क्यों ज़्यादा पॉपुलर है, या हमको ये क्यों लगता है कि ये बीमारी बड़ों में ज़्यादा कॉमन है, इसलिए क्योंकि जो अपेंडिक्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो अपेंडिक्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो बड़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि बड़ों में हम लोग एक तरह से इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम लोग ये चीज़ें ध्यान नहीं देते। आदत है अपनी, पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, गोली खाइए, काम पे जाइए, तो जब तक वो अपेंडिक्स में पस नहीं भरती या वो फूट नहीं जाता, तब तक वो चीज़ आप डॉक्टर के पास पहुँचने में देरी करते हैं। जबकि यही चीज़ बच्चों में अगर पेट में दर्द होता है, तो हम लोग सब एज़ पेरेंट्स बच्चों को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। इसलिए जो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, अपेंडिक्स का फूट जाना, अपेंडिक्स में पस हो जाना, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों में उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर जल्दी एक्सेस कर पाते हैं पेरेंट्स की वजह से, इसलिए हमें लगता है कि शायद ये अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा नहीं होती, जबकि बच्चों में ये अपेंडिक्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है नंबर्स वाइज। पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये आती है कि अपेंडिक्स होने का कारण क्या होता है। देखिए, अपेंडिक्स होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बट जहाँ एक तरफ बहुत से कारण हो सकते हैं, वहीं हमें आज तक ये नहीं पता कि उसका एक कारण क्या है जिस वजह से अपेंडिक्स होता है। विभिन्न बच्चों में विभिन्न प्रकार के अपेंडिसाइटिस होते हैं, और हर एक का अलग कारण भी हो सकता है। जो 3-4 मोटे मोटे कारण हमको पता हैं जिसकी वजह से शायद अपेंडिसाइटिस होता है, वो है कि कब्ज़ होना, कि बच्चा बहुत कॉन्स्टिपेटेड है, उसे ठीक से स्टूल नहीं हो रहा है, होता है तो बहुत कड़क होता है, करने में तकलीफ़ होती है, वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से बॉडी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाती है। देखिए, खड़े पानी में जैसे मच्छर पैदा होते हैं, वैसे ही अगर खड़ा संडास है आपके अंदर इंटेस्टाइन में बहुत देर तक, तो उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, और वो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिसमें से एक इन्फेक्शन अपेंडिक्स का भी हो सकता है। ये हुआ एक कारण। दूसरा होता है कि कई बार आपका जो अपेंडिक्स है वो एक कुएं की तरह है, वो ब्लाइंड एंडिंग जिसे हम बोलते हैं, कि उसकी एक ही तरफ से उसमें एंट्री हो सकती है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं। आंतड़ी कैसे दोनों तरफ से खुली होती है, आंतड़ी में दोनों तरफ से मूवमेंट हो सकती है, वैसी अपेंडिक्स में नहीं होती। अपेंडिक्स एक कुएं की तरह है कि उसमें अगर कुछ गिर गया तो वो गिर गया। तो अगर कहीं कभी कोई खाने का पार्टिकल या कोई संडास का कोई पार्टिकल उसमें अगर गिर गया, तो वो निकल नहीं सकता, वो वहीं रहेगा और बार बार इरिटेट करेगा और बार बार इन्फेक्शन करेगा। तो ये होता है दूसरा कारण। तीसरा होता है कि किसी वजह से आंतड़ियों में इन्फेक्शन हुआ है और वो वहाँ स्प्रेड हो गया है और उसने अपेंडिक्स में जाके जमा लिया है खुद को। तो ये
तीन चार कॉमन कारण है और बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन साइंस को अभी तक ये पूरी तरह से नहीं पता कि ये क्यों होता है। सो ये हुआ कि क्यों होता है, और अगर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसा पता चलेगा। ठीक है, अब ऐसे पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ जो तीन चार मुख्य कारण हैं जो आप देख सकते हैं बच्चे में, जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी हो जाएगा, वो है पेट में दर्द होना, और दर्द काफ़ी ज़ोर का होगा, बच्चा रोएगा, बच्चा चिल्लाएगा, पेट के बीच में होगा, साइड में नहीं होता है। साइड में जब तक दर्द पहुंचता है तो वो अपेंडिक्स की थोड़ी सी एडवांस स्टेज में जाके राइट साइड पे पेन शुरू होता है, जो हम लोग टिपिकल पढ़ते हैं जिसके बारे में, लेकिन टिपिकली पेन सेंटर में शुरू होता है, बेबी के आसपास, बेली बटन के आसपास, और फिर वहाँ से वो बढ़ना शुरू होता है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है पेन कंटिन्यूस रहता है, पूरा टाइम रहेगा, कम ज़्यादा होगा लेकिन बंद नहीं होगा। जबकि किडनी स्टोन हुआ, यूरेटर स्टोन हुआ, इनका पेन आता जाता रहता है, गैस होती है उसका पेन आता जाता रहता है, लेकिन अपेंडिक्स का पेन कंटिन्यूस रहेगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि बच्चे को उल्टियाँ शुरू होंगी, वो भी टिपिकली या तो उल्टी पहले शुरू होगी दर्द बाद में आएगा, या दर्द पहले शुरू होगा और उल्टी बाद में शुरू। फिर एक बार उल्टी शुरू हो गई तो बच्चा कुछ भी खा पी नहीं सकेगा, जैसे ही कुछ खाया या पिया तुरंत उल्टी हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में पेन दवाइयों से कम हो जाता है तो माँ बाप थोड़ा रुकते हैं कि चलिए सुबह हॉस्पिटल चले जाएंगे, और तब तक बच्चे को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, और तब आपको समझ में आता है कि नहीं अब हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। तो उल्टी होना इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि हम लोग यहाँ तक कई बार सोचते हैं कि अगर बच्चे को पेट में दर्द है और उल्टी नहीं हो रही है तो क्या ये सच में अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। अब ये याद रखिए कि जो उल्टी है वो सिर्फ उल्टियाँ होंगी, उसको उसको लूज मोशन नहीं होंगे। तो अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द है और साथ में उल्टी और जुलाब लगा हुआ है तो वो शायद अपेंडिक्स ना हो, वो कोई और वजह हो। ठीक है, वो सेम चीज़ नहीं होती है। पेट में दर्द होना और सिर्फ उल्टियाँ होना बहुत ज़्यादा, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, जिसे हम लोग कॉमन भाषा में गैस्ट्रो कहते हैं, ये वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसका एक सोनोग्राफी करके लेना बहुत ज़रूरी है। अपेंडिक्स डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है देखने के साथ, ऐसा नहीं है कि उन्हें डायग्नोसिस नहीं होता है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए, पक्का करने के लिए कि ये सच में अपेंडिक्स है कि नहीं, सोनोग्राफी करनी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर सोनोग्राफी में अपेंडिसाइटिस आता है तो उसमें फिर डिपेंड करेगा कि आप उसका इलाज किस तरह से करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल ये है कि अगर अपेंडिक्स के अंदर कोई वस्तु नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई संडास का पार्टिकल नहीं है, या खाने का पार्टिकल नहीं है, या उसमें पस नहीं हुआ है, या वो फूटा नहीं है, तो हम लोग पहले 24 घंटे उनको एंटीबायोटिक का ट्रायल देते हैं कि देखते हैं कि क्या ये सूजन कम हो रही है कि नहीं हो रही, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। एक बात याद रखिए, अगर आपको एक बार अपेंडिसाइटिस हो चुका है तो दूसरा अपेंडिक्स का अटैक अगले 6 महीने में आने का 70% चांस है। मतलब अगर 3 बच्चे को आज अपेंडिसाइटिस हुआ है, उसमें से 2 बच्चों को अगले 3-6 महीने में फिर से दूसरा अटैक आएगा। तो एक ज़माना था जब अपेंडिक्स के लिए ओपन ऑपरेशन किया जाता था, बड़ा चीरा होता था, बहुत चीरफाड़ होती थी, इन्फेक्शन हो जाता था जख्म में, बच्चे को ऑलमोस्ट 15-20 दिन लग जाते थे रिकवर करने में, तब हम लोग जहाँ तक हो सके इन्हें दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे अपेंडिक्स को। बट अब ज़माना बदल चुका है, अब अपेंडिक्स का ऑपरेशन लगभग लगभग सब जगह दूरबीन से किया जाता है, ओपन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारे यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 5.5 सालों में हमने 150 से ज़्यादा अपेंडिक्स किए हैं, और सब अपेंडिक्स दूरबीन के द्वारा निकाले गए हैं, लैप्रोस्कोपिकली निकाले गए हैं, तो किसी भी सूरत हाल में उनको ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आज की डेट में। वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन दूरबीन से हो जाता है और बच्चा 24 से 48 घंटे में घर भी चला जाता है। 5-6 दिन में तो बहुत से मेरे बच्चों ने जाके स्पोर्ट्स खेला है, फुटबॉल खेली है अपने स्कूल्स के लिए, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो अब हम लोग ज़्यादा नहीं रुकते हैं, हमारी रिकमेंडेशन ये होती है, हमारा सुझाव ये होता है माँ बाप को कि आप आए हैं, एडमिट हुए हैं, हमको पता है कि बच्चे को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो चुका है, तो आप वो निकलवा दीजिए, नहीं तो वो बार बार तकलीफ देता ही रहेगा। और ऑपरेशन की वजह से ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा,
वैसे भी हम लोग उसको 3 दिन तक दवाइयाँ देंगे ही, इंजेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे और उसके बाद घर भेजेंगे। जबकि यही चीज़ मैं 1-24 घंटे इंजेक्शन दे के, इन्फेक्शन कंट्रोल करके, दूसरे दिन ऑपरेशन करके, तीसरे दिन उसको घर भेज सकता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि बच्चा अपेंडिक्स के साथ घर जा रहा है कि बिना अपेंडिक्स के घर जा रहा है। और आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि अगली बार जब पेट में दुखेगा तो ये डेफिनेटली अपेंडिक्स की शिकायत नहीं होगी। सो अपेंडिसाइटिस बहुत कॉमन चीज़ है, बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है अपेंडिक्स का इन्फेक्शन। उसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन हो सकता है और बच्चा 2 से 3 दिन में, मत से 4 दिन में पूरी तरह से रिकवर होके अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो ये था एक संक्षेप में अपेंडिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी प्रश्न हैं, कुछ डाउट हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। मैं जहाँ तक तो हो सके आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको और डिटेल में बात करनी है तो आप drgursav@gmail.com पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड अगर कुछ सवाल जवाब हुए तो मैं उनका जहाँ तक हो सके जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।